नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक किस्से के साथ। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं दिल्ली में थी और एक बड़े कॉर्पोरेट के ऑफिशियल के साथ, सीनियर ऑफिशियल के साथ मेरी एक मीटिंग चल रही थी। क्योंकि मैं उत्तराखंड से खुद को एक स्वघोषित ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं समझती, तो मैंने अपने गृह राज्य उत्तराखंड का जिक्र छेड़ ही दिया और पूछा कि उत्तराखंड के बारे में जानते हैं आप। लेकिन सामने से अंग्रेजी में जवाब आया, ओह अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर बीन टू उत्तराखंड। मैं लगभग सदमे में आ गई क्योंकि दिल्ली में हो रही इस मुलाकात में दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पर बसी राजधानी देहरादून वाले राज्य में यह अधिकारी कभी गया ही नहीं था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े पद पर है, जो दुनिया के कई देशों में घूमा होगा, भारत भी लगभग पूरा नापा ही होगा, लेकिन उत्तराखंड वो नहीं गया था। लेकिन असल सदमा यहाँ पर अभी आना बाकी था। मैंने सोचा कि आज मैं इस अधिकारी को पूरा उत्तराखंड यहाँ से याद कराकर भेजूंगी। तो मैंने फिर उनसे अगला सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, उत्तराखंड के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ तो सुना होगा। उनका जवाब आया, माउंटेन्स, रिवर्स, केदारनाथ एक्सेट्रा, नाउ आई नो यू फ्रॉम द स्टेट। मैं अवाक रह गई क्योंकि भारत में रहने वाले, अक्सर दिल्ली आने वाले और काफी ट्रैवल करने वाले एक बड़े अधिकारी को उत्तराखंड के बारे में बेसिक भी नहीं पता था। लेकिन उन्हें गुजरात मालूम था, उन्हें बंगाल मालूम था, उन्हें हिमाचल पता था, कश्मीर पता था, दक्षिण भारत के राज्य पता थे, पूर्वोत्तर के राज्य भी तुलनात्मक रूप से उनको, उनके बारे में भी काफी जानकारी थी। लेकिन अब चुनौती मेरे सामने ये थी कि इन्हें उत्तराखंड के बारे में अगर कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराना शुरू करूं, उन्हें क्या बताऊं, कितना बताऊं, कहां से बताना शुरू करूं और कैसे उन्हें बताऊं कि मेरे राज्य की वैश्विक छवि आज की तारीख में क्या है। क्योंकि चारधाम यात्रा, पहाड़ में घूमना फिरना और आपदा, इससे आगे लोग हमारे बारे में दूसरे हिस्सों में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। 22 वर्षों में हम बालिक तो हो गए, लेकिन हम एक वैश्विक, एक इंटरनेशनल लेवल का हिमालयन ब्रांड या ब्रांड उत्तराखंड विकसित नहीं कर पाए। बंगाल के रविंद्र संगीत को दुनिया जानती है, कश्मीर की कढ़ाई को देश के किसी भी कोने में लोग देखकर पहचान जाते हैं, केरल की सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली कसावू साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, मणिपुर के हाथ से बने स्कार्फ, राजस्थान का बंधेज, कलबेलिया नृत्य, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल की टोपियां अपने इन प्रोडक्ट्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये उनके ब्रांड है। और तो और, ये तो मैंने राज्यों की बात की, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जैसे आगरा का पेठा, लखनवी कढ़ाई, इंदौर के पोहे, पुरानी दिल्ली का मुगलई खाना, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, नागपुर के संतरे। मतलब राज्य एक तरफ, इन शहरों की अपनी अलग पहचान है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन इन सब की तुलना में अगर 2013 के बाद से केदारनाथ धाम को हम छोड़ दें अपवाद के रूप में, तो हमारा ब्रांड उत्तराखंड क्या है, चार धाम से अलग हमारा ब्रांड उत्तराखंड क्या है और विश्व पटल पर कितना मजबूत है, ये किसी को नहीं पता। हाल ये है कि लाल किले से पूरे देश में नारा गूंजा था, क्वाद झुंगर खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उस समय के आंदोलनकारियों ने भी हमारे इन ब्रांड प्रोडक्ट्स को पहचाना था उस दौर में। लेकिन 20 साल बाद भी, 2022 तक पहुंच जाने के बाद भी, 2023 में एंटर कर जाने के बाद भी, क्वाद झुंगर को विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड का ब्रांड हम नहीं बना पाए हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? हम उत्तराखंड से निकलकर पॉलिटिक्स, मीडिया, आईटी, साइंस, मेडिकल, टीवी सब जगह पहुंच गए हैं, लेकिन उत्तराखंड हमसे छूट गया है। छूट गया है इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के वीडियोस फेसबुक पर लाइक करके, यूट्यूब पर वायरल कॉन्टेंट और पहाड़ी प्राइड वाले कोट्स को टी शर्ट पर बड़े प्राइड के साथ पहनकर निकल लेना, ये उत्तराखंड की अस्मिता को जीना नहीं है। और मुझे सबसे ज्यादा अचरज इस बात पर होता है कि उत्तराखंड के समाज ने कभी इसकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं ली है। हम सबने ये विमर्श का हिस्सा तो है, बात होती है इस पर, लेकिन कोई एक्शन या ब्लूप्रिंट इस पर आज तक नहीं बना है। और आज के उत्तराखंड में कितना उत्तराखंड बचा है, इसे लेकर कोई सामाजिक और राजनीतिक चेतना दिखाई नहीं देती है, और वो भी तब जबकि देश की राजधानी दिल्ली के पावर सर्कल में आज की तारीख में उत्तराखंड से आए वरिष्ठ अधिकारियों की गहरी पैठ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ये चिंतन सामाजिक, सांस्कृतिक और सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से करना होगा, जिसके मूल में उत्तराखंड के पर्वतों में बसा समाज होना चाहिए। ब्रांड हो, राज्य या संस्कृति, ये सब कुछ तभी बच पाएंगे या बन पाएंगे जब वहां के लोग बचेंगे, क्योंकि जो वहां बसे हैं उनकी अंकिताओं का रोजगार के लिए शिकार हो गया, उनकी किरणों का बलात्कार हो गया, आज भी प्रसव हो जाते हैं रास्तों पर, गुलदार के जबड़ों में हमारे मासूम खत्म हो जाते हैं, जिन पहाड़ों में विकास वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स पहुंच गए वहां आम पहाड़ी तो आज भी मजदूरी ही कर रहा है, जो कल मालिक था वहां का वो आज नौकर है। और इसीलिए
वो पहाड़ी भी अब सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पहाड़ छोड़कर निकल जाए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तराखंड को लेकर, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ये सच है कि राष्ट्रीय मीडिया में उत्तराखंड उपेक्षित रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि छोटे छोटे स्तर पर ये सही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों से भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक पर्वतवासी नहीं बचेंगे तब तक उत्तराखंड की बात अधूरी है, क्योंकि पर्वतीय अस्मिता और परंपराओं के ध्वजवाहक पर्वतवासी पहाड़ी ही हो सकते हैं। कोई टूरिस्ट या उत्तराखंड में फायदे का सौदा देखने वाले बाहरी या राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में बसे दिल्ली की सत्ता के मैनेजर नहीं हो सकते। 22 साल में राज्य के 10 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पर्वत विरोधी कानून बन जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी और सिस्टम उस राज्य को नहीं संवार पाते जहां प्रकृति ने खुले हाथों से संसाधन बांटे थे। शक्ति सत्ता के पास होती है, और इसीलिए शहीदों के तप से खड़े हुए राज्य की किस्मत बदलने के लिए जवाबदेही भी सत्ता की होगी। अब सिर्फ उत्तराखंड से हमें बहुत प्यार है, वी लव उत्तराखंड वाली ये इस टाइप की बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस प्रेम को जाहिर करना होगा, इसके लिए कर्म योग और अगर हठ योग भी करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो आज कोशिश इस वीडियो के जरिए यही थी कि वो सारे लोग जो उत्तराखंड पर बात करते हैं, जो वहां के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो वहां के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने ब्रांड उत्तराखंड के बारे में अब सोचें और इसे विश्व पटल पर पहचान दिलाएं। लेकिन ये पहचान तब मिलेगी जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा ब्रांड उत्तराखंड है क्या। कॉन्टेंट अगर पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, न्यूज बीट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़िए। सुपर थैंक्स खरीदकर आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम और अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहें। इस विषय पर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है क्योंकि पहाड़ से जुड़ा ये मुद्दा है, उत्तराखंड से जुड़ा मुद्दा है, तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।